युद्ध में निभाने होते हैं तीन बड़े नियम, जानकर आपको होगी हैरानी। दोस्तों नमस्कार, ऑप्टिमम वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं युद्ध में माने जाने वाले तीन नियम, जिनको मानना हर देश के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आपको लगता है कि दो देशों के बीच युद्ध होता है और सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो आपकी सोच गलत है। दोस्तों युद्ध भी एक नियम के तहत लड़े जाते हैं। जंग में कुछ नियमों का पालन करना सबके लिए ज़रूरी होता है। आज हम आपको बताते हैं तीन खास नियमों के बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि ये नियम क्यों अधिकतर देशों में मान्य हैं। युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत लड़ना होता है और इस समझौते पर लगभग 196 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों करीब करीब दुनिया के सभी देशों में ये नियम लागू हैं। पहला नियम है, जंग में किसी भी आम नागरिक पर हमला नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मुकदमा चलेगा। और दोस्तों आइए जानते हैं दूसरा नियम। अगर दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो और कोई सैनिक घायल अवस्था में हो और उसे इलाज देना सबके लिए ज़रूरी है और इसमें कोई और सैनिक बाधा नहीं डाल सकता। दोस्तों घायलों को ले जाने के लिए आर्मी मेडिकल कोर होती है, जिस पर कोई हमला नहीं कर सकता है। और आइए जानते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है, जंग में कोई अगर बंदी बना लिया जाए तो दुश्मन देश को उसे टॉर्चर करने का अधिकार नहीं है और उसे खाना पीना देना भी अनिवार्य है और युद्ध बंदी को सुरक्षित वापस करना उसकी जिम्मेदारी होगी, जिसके तहत विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी हो सकी है। तो दोस्तों इस जानकारी को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।